अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। जैसा कि आज ये मेरा पहला व्लॉग है, इसलिए थोड़ी नर्वसनेस तो है, लेकिन कोई मसला नहीं। इंसान सोचता तो बहुत कुछ है कि ये कर लें, लेकिन होता वही है जो खुदा को मंजूर होता है। ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, स्ट्रगल अपनी जारी रखनी चाहिए। सो आज के गोल्डन वर्ड्स हैं ये, और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जो कि आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बूंदी। कुछ लोग आलू पकौड़ियाँ भी कहते हैं, लेकिन हम आलू बूंदी कहते हैं। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, सब मैं रेसिपी के साथ साथ बताती जाऊँगी। तो फर्स्ट हम लेंगे प्याज, टमाटर, और उसमें एक गिलास पानी डाल के उसको अच्छी तरह बॉयल करने के लिए रख देंगे। जब ये बॉयल हो जाएगा, तो उसमें मसाला चाट डालेंगे, जो कि नमक, हल्दी, लाल मिर्च, सब चीज़ें हंसब ज़रूर डालेंगे, जितना के सब अपनी हांडी में डालते हैं। हम तो एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च और वन एंड हाफ चम्मच जो है वो नमक का डालते हैं। उसके बाद इसको अच्छी तरह भून लेना है। उस भूनने के बाद उसमें आलू डाल देने हैं। आलूओं को भी अच्छी तरह मिक्सर के अंदर अच्छी तरह भून लेना है, ताकि आलू कोई कच्चा ना रहे और हांडी का जायका जो है वो किरकिरा ना हो। उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे और उसको थोड़ी देर बॉयल होने देंगे, और साथ ही काली मिर्च डाल देंगे। देन जो पकौड़ियाँ थी वो इसमें डालेंगे हम और उसको बॉयल होने देंगे। लें जी व्यूअर्स, हमारी हांडी जो है वो तैयार हो गई है। आलू बूंदिया की जो हांडी थी वो बहुत ही मज़े की बनी है और मैंने तो चख ली है, अब आप भी ट्राई करिए जी। तो ये है आलू बूंदी का सालन, जो कि बहुत ही मज़े का बना था, और साथ में एक रोटी लगाएँ और खाएँ और मुझे बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू लाइक इट, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।